आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपने कभी भी अपने गूगल पे अकाउंट से किसी को पेमेंट कर दिए और आप ये नहीं चाहते हैं जो मैंने ये पेमेंट की है इसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती ये किसी और को दिखाई पड़े, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जहां से आप बड़ी आसानी से जो गूगल पे अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उसे आप डिलीट कर सकते हैं और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसके लिए सिंपल सा करना क्या है, आपको जो आपका गूगल पे अकाउंट है इसे आपको ओपन कर लेना। जैसे ही गूगल पे एप्लीकेशन आपका ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आप देखेंगे ना जो ये सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन आपका शो करता है, जैसे ही आप इस पे टिक करते हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है ये सारी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है, यानी कि आपने किस किस को पेमेंट की सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे जो आप पहला ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो शो कर रहा है जो IRCTC वेब UPI नाम से शो कर रहा है जिसका पेमेंट यहाँ पे 541 रुपए आपके सामने शो कर रहा है, इसी को अभी हम आपको डिलीट करके दिखाएंगे। उसके बाद ये जो पेमेंट का हिस्ट्री है ये यहाँ पे आपकी शो नहीं करेगी। तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सा आपको बैक उसी होम पेज में आपको आ जाना है और इसके बाद करना क्या है, जो आपका सबसे ऊपर साइड में आप देख रहे जो ये प्रोफाइल आइकन आपकी शो कर रही है इस प्रोफाइल आइकन पे आपको टिक कर देना और इसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो एक ऑप्शन शो कर रहा है सेटिंग, इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप टिक करते हैं इसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन शो करता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना। इसके बाद जो आपका ये पहला वाला ऑप्शन शो कर रहा है जहां पे लिखा हुआ है डाटा, इसी डाटा वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे जो एक ऑप्शन और आपका शो कर रहा है गूगल अकाउंट, इसी गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे टिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे थोड़ा सा आप स्क्रॉल नीचे साइड करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है जैसा आपके सामने शो कर रहा है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के जो भी आपका ईमेल आईडी इसे सिंपल सा आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप इसे वेरीफाई कर देते हैं बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जैसे इसके बाद एक नया पेज आपके सामने शो करेगा। अब जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे जो आपके ने जो वहाँ पेमेंट की जैसा मैंने वहाँ पे दिखाया था जो पेमेंट वहाँ पे शो कर रहा था 541 रुपए का वो आपको ये स्क्रीन में आपके सामने शो कर रहा। अब इसे डिलीट करने के लिए जो एक सिंपल सा ये क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इस क्रॉस पे आप टिक करते हैं इसके बाद डिलीट वाला जो ऑप्शन शो कर रहा इसमें सिंपल सा आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे जो मैंने वहां पेमेंट की थी आप यहां पे देखेंगे जो आपका पेमेंट वो 541 रुपए का था वो ऑटोमेटिक वहां पे डिलीट हो गया है। और आप इस तरह से चाहे एक एक करके जितने भी आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहां पे डिलीट करना चाहते हैं एक एक करके आप सभी वहां पे डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम आपको क्या करेंगे, दोबारा से उसी गूगल पे एप्लीकेशन में ले चलेंगे और वहां पे दिखाएंगे कि वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे कि हमने गूगल पे एप्लीकेशन के होम पेज पे हम यहाँ पे दोबारा आ गए, अब थोड़ा सा आप नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे जो यहाँ पे अब आपका शो कर रहा है सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जैसे आप इस पे टिक करेंगे जो पहला पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा था 541 रुपए का, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देखेंगे जो पहला पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो कर रही थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिलीट हो गई। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपने डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।